मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन और रेखा के कथित अफेयर ने कई सुर्खियां बटोरी। दोनों के लव अफेयर्स की गपशप फिल्म के सेट पर खूब होती रही और इन अफवाहों पर मंथन कभी बंद नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि अमिताभ ने कभी रेखा को तोहफे में 2 अंगूठियां दी थी, जिसे एक्ट्रेस सोते समय भी निशानी के तौर पर अपने पास रखती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने वो दोनों अंगूठियां बिग बी को वापस लौटा दी। अमिताभ बच्चन द्वारा दी गई अंगूठियों का जिक्र खुद एक्ट्रेस ने किया था। उन्होंने खुद खुलासा किया था कि उन्हें उन दोनों अंगूठियों से कितना लगाव था और क्यों अमिताभ के एक फैसले के बाद उन्होंने उन दोनों अंगूठियों को गुस्से में वापस करने का फैसला किया। रेखा ने एक बार स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में अपना दर्द भी बयान किया था। रेखा ने उस इंटरव्यू में कहा, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अमित जी ने निर्माताओं को साफ कह दिया है कि अब वो मेरे साथ कोई नई फिल्म नहीं करेंगे, लेकिन इस बारे में उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। मैं ये बातें दूसरों से सुन रही थी। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो वो बोले, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मुझसे मत पूछो। लेकर तो जा रहा हूं रेखा, दिल में एक याद बनाकर। रेखा, यही अच्छा है। इस जमीन पर तुम भी रहोगी, मैं भी रहूंगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दोनों के बीच एक फासला बना रहेगा। मैं उनकी इस बात से बहुत दुखी हुई। तब मैं खूबसूरत फिल्म की शूटिंग कर रही थी। रेखा ने आगे कहा, शायद आप नोटिस करेंगे कि फिल्म के आखिरी हिस्से में मेरे हाथ में 2 अंगूठियां नहीं हैं। वो मुझे उन्होंने दी थी, जिन्हें मैं कभी नहीं उतारती थी, सोते समय भी नहीं। लेकिन जब हम अलग हुए तब मैंने वो अंगूठियां उन्हें लौटा दी। 1984 में फिल्म फेयर के एक इंटरव्यू में रेखा से जब पूछा गया था कि अमिताभ ने तो उनके साथ अफेयर की बात को नकारा है, तो इसके जवाब में रेखा ने कहा था, ऐसा वो अपनी छवि, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। अगर उन्होंने ये बात मुझे अकेले में कही होती तब मैं निराश होती। मिस्टर बच्चन आज भी पुराने जमाने के हैं, वो किसी को दुख देना नहीं चाहते, तो फिर अपनी पत्नी को दुखी क्यों करेंगे। अमिताभ और रेखा की आखिरी फिल्म सिलसिला थी। इन दोनों की ये फिल्म यूं तो पर्दे पर फ्लॉप रही थी, लेकिन ये फिल्म इनके करियर की सबसे चर्चित फिल्म बन गई। लव ट्रायंगल पर बेस्ड इस फिल्म में जया बच्चन भी थी। बस इस फिल्म के बाद रेखा और अमिताभ कभी पर्दे पर साथ नहीं दिखे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।